हाय नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक यात्रा में। और आज हमारा दूसरा दिन है काशी में। कल हम लोग घाट गए, वहां पर हम लोगों ने गंगा आरती देखी, जिसका ऑलरेडी आपने शॉर्ट्स देख लिए होंगे। और आज का हमारा क्या प्लान रहने वाला है प्रतीक? सो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग का प्लान है कि सबसे पहले हम लोग काल भैरव के दर्शन करेंगे, जो है कोतवाल है। उनके दर्शन किए बिना हमारा यहाँ पे यात्रा जो है ना बिल्कुल अनसक्सेसफुल कह सकते हैं उसको। तो हम लोग सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, जिनको यहाँ का कोतवाल भी कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, और यही हम लोग का आज के दिन का प्लान रहेगा। और कल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फूड स्ट्रीट भी यहाँ का ट्राई करा, सो इट वॉज फैंटेस्टिक, जो हम लोगों को मुंबई में तो ऑब्वियसली नहीं मिल पाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं आज का कैसा दिन रहेगा, और विल मीट सून, बाय। और हम चल दिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, मगर उससे पहले हमें काल भैरव के दर्शन करने थे। और बीच में ही हमें वो जगह मिली जहां वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। काल भैरव शिव जी के एक स्वरूप, जिनके बारे में बहुत सारी मान्यताएं और कहानियां हैं। सब इन वीडियो में कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, काल भैरव को कोतवाल भी कहा जाता है। कोतवाल मतलब पुलिस इंस्पेक्टर। और ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर बनारस आता है तो वो काल भैरव के दर्शन जरूर करता है। अब हमारी अगली मंजिल थी महादेव काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। और सबको पता है कि महादेव की नगरी में काशी विश्वनाथ का क्या महत्व है। महादेव की कृपा से बहुत ही सुंदर और इत्मीनान से हमारे दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ निकले, और क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फास्ट रखा हुआ था, अब वक्त था कुछ खाने का। मंदिर के बाहर आते ही खाने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। सबसे पहले हमने मलाई ट्राई किया, जो कि मैंने बनारस के अलावा और कहीं नहीं देखा। ये दूध से बनी हुई कोई डिश थी। और उसके बाद हम लोगों ने ठीक उसके सामने एक बहुत ही फेमस पूरी कचौड़ी ट्राई करी, जिसके बारे में भी बहुत व्लॉग्स मैंने देखे हैं। इसके बाद चल दिए हम लोग घाट की तरफ। रास्ते में हमें ये एक इत्र की दुकान दिखाई दी, जिसके बारे में अक्षु पहले से जानती थी, और हमने यहाँ से दो दो इत्र खरीदे। फाइनली पेट पूजा करने के बाद हम लोग घाट पहुंचे, और मणिकर्णिका घाट से 80 घाट तक, और 80 घाट से वापस मणिकर्णिका घाट तक का हमने एक बोट बुक किया। जिन घाट को कल रात हम लोग घाट घाट घूम रहे थे, उन्हीं घाटों को अब गंगा नदी से हमने शूट किया, जो कि बहुत ही मस्त लग रहे थे, अस्मरणीय लग रहे थे। और ये है वो मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में शायद आपने बहुत सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, पर अब आप सामने देख सकते हैं। पहलवान की लस्सी और काशी जाट भंडार, ये दोनों भी बनारस के टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर हम लोगों ने टमाटर, आलू, प्याज, बहुत सारी चाट ट्राई करी। इस तरह हमारा बनारस का ये सफर यही खत्म हुआ। अब मिलेंगे अयोध्या में।